खबर सरोकार के लिए, खबर खुशी के लिए, दिखाएंगे हम सच खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार ऑन न्यूज, मैं ओम प्रकाश सिंह। रोहतास पुलिस की त्वरित कार्रवाई में 38 किलोग्राम डोडा पाउडर के साथ दो अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। श्री आशीष से भारतीय पुलिस अधीक्षक रोहतास के निर्देशानुसार पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिले में विशेष सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज सुबह पुलिस अधीक्षक रोहतास को गुप्त सूचना मिली कि डाल्टनगंज से दिल्ली जाने वाली बस में अवैध मादक पदार्थ छुपाकर ले जाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक रोहतास ने इसे गंभीरता से लेते हुए इस सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवजोत सिमी के नेतृत्व में डेरी थाना अध्यक्ष संजय सिन्हा के अलावे मुफसिल थाना डेरी एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी को भेजा गया, के साथ विशेष टीम का गठन किया गया था। थानाध्यक्ष डेरी संजय सिन्हा मुफसिल थाना गोसोरा मोड़ के पास वाहन जांच दिल्ली जाने वाली बस में जांच करने के रोहतास कप्तान आशीष भारती ने दिया था, जहां डाल्टनगंज से दिल्ली जाने वाली बस में जोखन राम हरतापुर थाना मोनिगा जिला लातेहार एवं पूर्णी देवी थाना अभियुक्त के पास से ग्राम बाकी थाना पिपरा जिला पलामू दोनों अभियुक्त झारखंड राज्य के रहने वाले को पुलिस ने 38 किलो डोडा पाउडर के साथ गिरफ्तार कर लिया है तथा इन दोनों अभियुक्तों से रोहतास पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही है। वही इसमें अन्य संलिप्त अभियुक्तों को पकड़ने के लिए रोहतास पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बिहार ऑन न्यूज के लिए पुष्पा गुप्ता का रिपोर्ट।